आपको आती है हनुमान चालीसा? सुना दो। जय हनुमान के अनुगुण सागर जय तीनों कर जागर राम दूत आदि को राम अंजनि पुत्र भवन सुत राम महावीर जो उतर जन। मम्मी उठ जाओ, तुम्हें पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। भाई हम तो कब से मांग रहे हैं वर्षा, मांगते ही जा रहे हैं, वर्षा दे दो वर्षा दे दो। जब भी एडिट पे जा रहे थे हम शाम को वापस आ रहे थे, दिन में वापस आ रहे थे, तो मैं यही कह रहा था कि यार भगवान जब इतनी धूप झेल ली थी तो हम बोल रहे थे कि भाई भगवान बारिश दे दो बारिश। तो बाहर बादल गरज रहे हैं, ऊपर डार्क हो गया है मौसम, सुबह सुबह ही गर्मी। मतलब यार जो गर्मी दिन में 1 बजे लगती है ना, कोटद्वार की गर्मियों में वो सुबह 8-9 बजे शुरू हो जा रही वो वाली गर्मी। भाई बहुत गुस्सा आ रहा था। अरे मेरी माँ ने हाथ जोड़ दी। उसके बाद जो है उमस वाली गर्मी खाएंगे। स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। यू आर वॉचिंग प्रियंका और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक ब्लॉग्स में बने रहने के लिए। क्लियर है, आपने वेदर फोरकास्ट देख लिया? मेरी माँ भी टेक्नोलॉजी से घायल है, वेदर फोरकास्ट देख लेती है। 9 भी नहीं बजा अभी, तो 8:30 हो रहा होगा। भाई घर से बाहर निकलो तो यहाँ की गर्मी में ना, घर से बाहर निकलो ऐसा लगता है इधर भी लकड़ी का जत्था जल रहा है और इधर भी ऐसी गर्मी हो रही है भैंस की। आज अपना रोज हम एडिट पे निकल रहे थे 11 बजे, आज हमारा प्लान है कि 9 बजे तक निकल जाएंगे। मम्मी 9 बजे तक मैं निकल जाऊँगा, 9 बजे तक मैं निकल जाऊँगा, विच मीन्स 8:45 पे मुझे नाश्ता कर लेना चाहिए। तो मम्मी जी आप नाश्ता बना दो जल्दी से, फिर मुझे निकलना है। निकलना है बोले तो मुझे जाना है एडिट पे। कब खुलेगा वो गाना? खुल जाएगा, 7 जून को आ रहा है हमारा गाना। मैंने रिलीज कर दिया, डेट रिलीज कर दिया मैंने, इंस्टाग्राम पे डाला मैंने 7 जून को अपना गाना आ जाएगा। क्या टन टन हो रहा है? अरे ले ये पारे मोड़ा भी है बाहर, अभी दब गया कुछ इसमें। बंद ना हो जाए कहीं। क्या बात है, देख रहे तुम शुरू हो गई, तेज हो जाए, बहुत तेज हो जाए भैंस की, भयंकर हो जाए भयंकर। हमारे बेल के पेड़ पे एक ही बेल बचा हुआ था, जस्ट एक, ये रहा वो, कैसा ऑरेंज सा है बिल्कुल। मेरी माँ और मैं, मतलब मेरी मम्मी ये छील रही थी, मैं बोल रही थी ये देखिए एक ही बचा हुआ था बेचारा, अकेला लगा हुआ था। तब तक बाहर से आवाज आई, हम दोनों एक दूसरे को ऐसे देखा, कैरी पीकू बंद हो गई। अरे तेज हो जाए यार, मैं तो कह रहा हूँ बह जाए भैंस की। वाह यार ये बेल क्या शहद है इस बेल में। भाई इस बेल का भी मम्मी जूस बनाएगी। हम जहाँ एडिटिंग पे जाते हैं ना, उन लोगों के घर में भी एक लाल घाटी में उसकी मम्मी बनाती है आम पन्ना। उन्होंने हमें कल पिलाया आम पन्ना, इतना बढ़िया बना रखा था उन्होंने भी, मजा ही आ गया उसी से बचा ना, नहीं तो मैं तो गर्मी में पागल हो गया था। भाई चलो मैं नहा के आता हूँ, मेरे को जगा देती। बारिश तो बंद हो गई, हल्की हल्की धूप आ रही है थोड़ी सी। मम्मी कह रही है स्वर्ग ने ठगा दिया। स्वर्ग ने क्या? सरग ने, सरग बोलते हैं ना हमारे यहाँ, यानी कन ठगाए इस सरगल वाले, विच मीन्स कैसे स्वर्ग ने हमें ठगा दिया। बेल का जूस बहुत ही प्यारा भाई, इस बेल में शहद था अंदर, इतना मीठा, इतना चीनी डाली इसमें है? नहीं चीनी भी नहीं डाली, तब भी मीठा हो रहा है। क्या बात है दुर्गेश नाई भाई, हम बहनों 20 मिनट में अपने दुकान का पूरा दिखा दूंगा। चलो हम निकल रहे हैं एडिट पे, आज जल्दी जाना है। हाँ दोबारा कर लो, दोबारा कर लो। तोशी मैं जा रहा हूँ, एप्पल अच्छा होता है सेहत के लिए, खाना एप्पल खाएंगे तो ताकत बनेगी। चलो भाई लेट्स गो। हम आज एडिट पे बैठे हुए हैं, पर आज कुछ इश्यू हो गया है हमारा। कल हमने रिलीज भी कर दी थी डेट, ये 7 तारीख को अपन कर देंगे पोस्ट, पर आज धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है कि कुछ ना कुछ इश्यू है अपने डेटा में।
तो काफी सब लोग परेशान है, डायरेक्टर साहब स्पेशली परेशान है कि यार ये क्या हो गया, कुछ डेटा की दिक्कत हो गई यार, हमारा हमारा सॉन्ग एडिट हो ही गया था पूरा, और ये देखो बीच बीच में जो पार्ट दिख रहा है खराब हो रखा है, तो अभी कुछ दिक्कत आ गई है हमारे गाने में। गाना पोस्टपोन करने का साहब? नहीं नहीं, गाना तो स्क्रिप्ट में आ ही जाएगा। ठीक है, तो फिर हम घर निकल रहे हैं, गाने को हम थोड़ा, बड़ा सैड माहौल हो गया यहाँ पर, सब लोग बिल्कुल शांत बैठे हुए कि ये क्या हो गया। सबसे ज्यादा तो आपको डायरेक्टर साहब लग रहे होंगे शांत, है ना? टेंशन मिटाने के लिए अभी दो पैक भी है। तो चलो कोई नहीं, अब ये हो जाएगा, बट थोड़ा पोस्टपोन है अब गाना, अभी दुखद सूचना, एनर्जी थोड़ा डाउन हो गई है, एनर्जी सबकी डाउन हो चुकी है यहाँ पर। ओके टाटा। बाप रे, इतनी भयावह गर्मी। तोशी तू खोल दे यार, तोशी आ गई। कहाँ है टुक टुक, मिली नहीं आपको? मैं मिल गई अभी तो गई मैं। यार बड़ा ही दुखद समाचार आज, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सॉन्ग आते आते रह गया बस। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि यार हम फिर परफेक्ट ही देना चाह रहे हैं, हम ऐसा नहीं चाह रहे कि खराब आ जाए, कुछ नॉर्मल आ जाए, थोड़ा बढ़िया ही बनाएंगे उसको जब इतनी मेहनत करिए। तो होप यू गाइज अंडरस्टैंड, आप समझ रहे होंगे हमारे दिल की बात। धीरे धीरे उसके ऊपर काम चल रहा है, वो आ जाएगा। अब हम लगते हैं अपने प्ले पे। प्ले आई कैन नॉट गारंटी इट, बट आई एम गोइंग टू डू इट इन 20 days, एंड दैट्स फॉर श्योर। इसमें कोई पोस्टपोन नहीं होगा कुछ। हम अगर गांव चले गए तो वापस आ जाना, कोई बकबक नहीं है ये। मम्मी जी कह रही फालतू बकबक मत कर, हाथ मुंह धो ले। बकबक कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच मम्मी जी, थैंक यू सो मच। इतनी गर्मी में भी चाय जो पिए वो मेरे मम्मी पापा। फिलहाल हम एडिट वेडिट निपटा के घर आए, मैंने अपना ब्लॉग एडिट किया, पोस्ट पे लगा रखा है, 78% हो गया है। ये हेल्दी मामला ये मेरा है, ये इन दुष्ट लोगों का है। तेरे शक्ल ऐसे क्यों हो रहा है? तो आपके बाल इतने गंदे क्यों दिख रहे हैं? इसकी चुटिया, असल में मैंने इसका रबड़ मैंने खोल दिया। गरम है गरम, हीरो मत बन, हट फोन ले ले इससे। अभी अभी तोसी ने जो है पापा पे चाय गिरा दी, गरम गरम एकदम। ऐसे बैठी हुई है चुपचाप, मैंने कहा पापा के साथ अब बात मत करना और ना ही पापा के सामने फोन चलाना, नहीं तो पापा जो है यहाँ से तलवार डालेंगे ऐसे, और यहाँ से निकाल देंगे तोसी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। पापा ने बोला अगर तूने इसको फोन दिया, लाइट भी भाग गई। पापा ने बोला अगर तूने इसको फोन दिया तो तुझे तो मारूंगा, इसको फेंक दूंगा बाहर। आप चलाओगे फोन? चलाओगे? पापा भी देखेंगे व्लॉग, चलाओगे? अमन भाई क्या कर रहे हैं आप, ये कौन सी मेहनत हो रही है? ये बस मैं और ताऊ जी अभी आम तोड़ के आए हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या आपके खेत है यहाँ से उधर उधर? तो आपने वहाँ से आम तोड़ लिए? आम तोड़ लिए। वाह, अब बनेंगे इसका आम पन्ना। आम पन्ना भैया बहुत ज्यादा नीडेड है आम पन्ना जो है। आम पन्ने से ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है? क्या खुशबू है यार इनकी, बहुत ज्यादा इन आमों की, क्या खुशबू। कहाँ से तोड़े ये? आपकी जमीन से, मतलब कौन से वाले पेड़ से? टावर के नीचे। टावर के नीचे वाले से? टावर के अंदर भी है ना पापा पेड़? टावर के अंदर? अरे वाह, एक अपना पेड़ टावर के अंदर भी है भाई। हो गया हो गया, काफी है। आप तो रुकते नहीं, आप तो मशीन हो गए यार बिल्कुल। बस 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 बस, दशहरी हो रहे हैं बिल्कुल, दशहरी खुशबूदार। पापा वाटरप्रूफ है। आज गाइस मैंने सोचा कि आपको सच बता ही दूं कि इस सारी गार्डनिंग के पीछे किसका हाथ है। मैं चाहता नहीं हूं, मतलब मैं पिताजी की बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए मैं सोचता हूं कि यार पापा की इज्जत करें, आप भी अपने पापा की इज्जत करें, उनका नाम आगे रोशन करें, उनका नाम बढ़ाएं। पर आज मैं सच बता रहा हूं, पिताजी से मैं तंग आ चुका हूँ, तो मैं आज सच बता रहा हूँ, ये सारी गार्डनिंग जो है सब मैंने कर रखी है। ये पौधे, रिएक्शन, ये जो पौधे हैं ना, पौधे, ये जो पौधे फल फूल रहे हैं सब मेरे हाथों की देन है। रोज 18 घंटे मेहनत करता हूँ क्यारी में। कितने कैरेट का झूठ है ये? 24 कैरेट का झूठ है ये। बस पापा बहुत है,
मिर्चियां भी भीग गई हैं गाइस हमारी। मेरी टीम और मैं अपनी तरफ से मैं माफी मांगना चाहता हूँ जो हमारा म्यूजिक वीडियो पोस्टपोन्ड हो रहा है। असल में पहला म्यूजिक वीडियो है हमारा ना, हम पहली बार कर रहे हैं, तो एडिट पर धीरे धीरे त्रुटियां मालूम पड़ रही कि ये रह गया वो रह गया, इसीलिए तो उस म्यूजिक वीडियो में थोड़ा टाइम और है गाइस अभी, और बस देख लेंगे वो सब चीजें। हाँ जी, आप कूट नहीं रहे तोशी को? तोशी ने आज पिताजी पे चाय गिरा दी थी, बहुत भयंकर शक्ल देखो तोशी, डर के मारे इतना सा मुंह हो गया तोशी का। क्या सब्जी बनाई है पापा ने? पापा ने बनाई है, क्या है माँ? ये तोरी। भैया क्या बात है, बढ़िया तोरी लग रही है। मम्मी जी रोटी बना रही, आप तोरी प्याज काट के गए थे? ठीक है जी, मेरी मम्मी जी वहाँ गई थी जहाँ के लिए तोशी कह रही थी कि टुक टुक आ गई है, तो पड़ोस में गए थे ये लोग, अभी अभी लौटे हैं। बहरहाल मैं अपनी रिहर्सल कर रहा था, मम्मी को मैं बता दूं कि पापा ने मुझे बोलता कि सब्जी तो बनी हुई है, पीकू तू रोटी बना ले। मैंने कहा भाई मैं काम कर रहा हूँ अभी, तो पापा और मैं दोनों एक तरीके से हंसे, पता क्या थे? मैंने कहा रोटी तो मम्मी बनाएगी। कौन कौन बनाए इतनी गर्मी में? अच्छा अच्छा, रोज सुबह साफ सफाई करके देता हूँ मैं सुबह सुबह। सच बोलना जरा। आज नहीं थी, आज जल्दी जाना था, आज एडिट पे हमको 9 बजे निकलना था, इसलिए गला भी धो साफ करके गोला फेंक दो। हाँ हड़काया जा रहा है, साफ कर गला ऐसे। हाँ ऐसे ही मुझे हंसी आ रही है, मजा आया मुझे। भाई डिनर हमने कर लिया है, अब हम सोएंगे। तोशी को पहले मैं आज जब शाम को मैं पूजा कर रहा था तो ये सुन रही थी सब। आपको आती है हनुमान चालीसा? सुना दो। जय हनुमान के अनगिनसा घर जा कभी तीनों कुर जा घर राम दू अति को धामा अंजनी पुत्र भव सुतरामा महावीर जो रंजन रंगीन तुम्हें बाको। क्या महावीर? क्या रंजन रंगीन? नहीं महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर जो रंजन रंगीन। महावीर जो महावीर महावीर विक्रम विक्रम बजरंगी बजरंगी। जय हनुमान के अनगुन सागर जय तीनों कर्जा घर राम दूर अरे को धाम अंजनी पुत्र भव सुत राम महावीर जो उतर महावीर जो विश्व रंगीन रंगीन नहीं महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर जो रंजन रंगी महावीर जो रंजन रंगी क्या होता है भाई? महावीर विक्रम बजरंगी महावीर बजरंग रंगीन रहने दो। ठीक है जी, मैं इसको हनुमान चालीसा सिखा दूंगा, धीरे धीरे आती भी है उसको थोड़ी बहुत, आपने देख ही लिया। फिलहाल इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, ठीक है गाइस? इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए जॉइन का बटन दबाएं, अलग ही मजा है यार। फिर अलग ब्लॉग पे है पर दबाएं क्योंकि महावीर विक्रम बजरंगी बोलो महावीर रंजन रंजन रंगी क्या रंजन रंगी क्या।